तो जी गाइस, अब हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन को। ऊप के अंदर इनकैप्सुलेशन का क्या रोल है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इनकैप्सुलेशन होती क्या है, पहले ये बताता हूँ मैं आपको। इनकैप्सुलेशन बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि अपने सेंसिटिव डाटा को हम हाइड कर सकें, ताकि यूजर उसे डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, उसे मॉडिफाई ना कर सके। अच्छा, इनकैप्सुलेशन हम अब इसको यूज करने का मेथड क्या है कोड के अंदर। बेसिकली आपने जो एक्सेस स्पेसिफाइड अंडरस्टैंड किए थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, उनमें जो प्राइवेट कीवर्ड है वो एज अ इनकैप्सुलेशन यूज हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। प्राइवेट करता क्या है, आप किसी भी वेरिएबल को, जो मेंबर वेरिएबल है या मेंबर फंक्शन है जो उसने उसमें रखा आपने, वो क्या बन गया, उस क्लास का मेंबर है, उसको आउट ऑफ द क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेट से आपको एक क्लास को मैं क्लास की डिमोन्स्ट्रेशन देता हूँ किस तरह आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे इनकैप्सुलेशन को। मैंने एक क्लास क्रिएट की बैंक अकाउंट की, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है, मीन के आपका बैलेंस है या मेरा बैलेंस है बैंक अकाउंट के अंदर, मैं बैलेंस में ही जानता हूँ, ठीक है। मैं अमाउंट विड्रॉ करने गया हूँ, मुझे पता है मैंने अमाउंट कितनी विड्रॉ कराई है, ठीक है, और उसके बाद डिपॉजिट कराई है तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराई है। बैलेंस अब जो है, जो यूजर मुझे बैलेंस मैंने बता रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली उस बैलेंस को अपडेट नहीं कर सकता। मीन के ऑपरेशन में बंदा बैठा हुआ है वहां पे सॉफ्टवेयर के यूज कर रहा है, जो मैंने अमाउंट विड्रॉ कराई उसमें बैलेंस बता दिया पर रिमेनिंग बैलेंस ये है, अब उसको उस बैलेंस को अपडेट नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आपने डबल बैलेंस, ठीक है, ये मेंबर वेरिएबल है, इसको प्राइवेट रख लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने इन लाइन कंस्ट्रक्टर रखा, इसको हम आगे नेक्स्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसको आप अभी के लिए इस तरह भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर आप इस तरह यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह करके भी यूज कर सकते हैं, बैलेंस को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं, इसको 0.0 इस तरह, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं होती। आगे इनलाइन कंस्ट्रक्टर को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या आगे नेक्स्ट, बैलेंस है, अब बैलेंस आपने वेरिएबल ले लिया, एक डिपॉजिट का मेथड बनाया, डिपॉजिट करता क्या, अमाउंट ऐड करता है बैलेंस के अंदर, विड्रॉ करता है बैलेंस से अमाउंट माइनस कर देता है। जब आप जाते हैं इनकैप्सुलेशन की क्लास के अंदर, अब यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस बैंक अकाउंट का, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब आपने करना क्या है, अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवानी है। जब अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे, आपने अमाउंट दी और डिपॉजिट कर दी, अब यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई नजर आ रहा हो अमाउंट, आपका बैलेंस अपडेट हो रहा है या वेरिएबल, नहीं, आप यहाँ एक्सेस भी करना चाहे नहीं कर सकते, ठीक है। मीन के आप माई अकाउंट करके डॉट करें यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस अपडेट नहीं कर सकेंगे उस वेरिएबल की अमाउंट, ठीक है, डायरेक्टली, तो इसलिए उसको प्राइवेट रखा हुआ है, सेंसिटिव डाटा है। अब आपने उसके लिए अगर कोई डाटा जो प्राइवेट है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक और रूल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने प्राइवेट रखा हुआ है मेंबर वेरिएबल, उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको सेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे फिर उसको, ठीक है, तो उसको आप सेट तो करेंगे करेंगे अगर आपने करना पड़ा, लेकिन इंटरनली कर रहे होंगे, ठीक है। गेट कैसे करते हैं, उसको गेट करने के लिए प्राइवेट वैल्यू गेट किस तरह करते हैं वो बता रहा हूँ। देखें, जब गेट करेंगे, गेट के लिए आप गेट का एक मेथड बना लेंगे जो करके सिंपल वो बैलेंस को रिटर्न कर रहा होगा इंटरनली, यहाँ पे आप इसको कोई सेट करने नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो सेंसिटिव डेटा उसको सेट करने नहीं देंगे, सिर्फ गेट करवा रहे हैं, यहाँ पे गेट करवा रहे हैं, सेट नहीं करवा रहे, ठीक है, जो सेट करवाएंगे तो उसका एक रूल भी आपका वो क्या हो जाएगा, वफात पा जाएगा रूल उसका, मीन के एक बैलेंस है उसको आपने प्राइवेट रखा हुआ है, उसको आप डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करने देंगे। विड्रॉ का मतलब है विड्रॉ, अमाउंट निकल रही है, डिपॉजिट हो रहा है, अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, अगर डायरेक्टली आप उसको अपडेट करेंगे वेरिएबल को तो उसकी सेंस ही नहीं बनेगी कि वो अकाउंट से विड्रॉ हुई है या डिपॉजिट हुई है, ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन का रूल है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। चले, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम एक प्रोसीजरल एग्जाम्पल होगी, उसको हम ऊप के अंदर कन्वर्ट करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करूंगा कंप्लीट ऊप का कंसेप्ट उसके अंदर। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।